देखो 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक एक नाम बहुत चर्चा में है, शाहरुख खान, जो सबसे पहले बन के आए पठान और अब दूसरा धमाका करने आ रहे हैं जवान लेकर। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो अभी भी शाहरुख खान के पठान को टक्कर दे सकता है, बस दिक्कत ये है बहुत टाइम से इन्होंने उसको हल्के में लिया है जिसने सलमान खान को सलमान खान बनाया था। लेकिन भाई ने फैंस को, पब्लिक को, सबको इग्नोर किया। सलमान खान उर्फ भाईजान इनके फैंस एकदम शांत है और सही वक्त का इंतजार कर रहे है। और गुड न्यूज ये है, उनका इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हाँ तो भाई, मैं सूरज, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। बहुत दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मेरे पास चार खबरें हैं, दो अच्छी और दो बुरी। स्टार्ट करता हूँ अच्छी खबर। भाईजान की हाल ही में एक फिल्म आई थी, फैंस ने बोला था भाई को मत बनाओ ऐसी फिल्म में, लेकिन भाई ने ना फैंस की सुनी ना पब्लिक की, जो उनको लगा वो उन्होंने किया। लेकिन कुछ ऐसी खबर मेरे पास आई है, ऐसा लग रहा है भाईजान को सच में फर्क पड़ने लगा है और वो समझ गए है उनके फैंस को क्या चाहिए। इंशाल्लाह इस फिल्म के बारे में 2021 से सुनते आ रहे होंगे आप, लेकिन बस सुनते ही आ रहे होंगे। फिल्म आ रही या नहीं आ रही ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब सुनने में आया है सलमान खान खुद इस फिल्म को दोबारा शुरू कराना चाहते हैं, जो कि उनकी ही वजह से बंद हो गई थी और उन्होंने इसके लिए पहला कदम बढ़ा लिया है। रिपोर्ट्स आई थी कि भाईजान ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से कांटेक्ट किया था फिल्म को दोबारा बनाने के लिए। 75% चांस है कि ये फिल्म दोबारा बनेगी। हम लोग यही बोलते हैं कि भाईजान को कमबैक के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है जो उनके अंदर पुराना सलमान खान डाल सके, तो ये सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है भंसाली साहब के साथ। अब दूसरी अच्छी खबर, पिछले 4-5 सालों से मास सिनेमा का दौर हर तरफ देखने को मिल रहा है। मास सिनेमा के बीच छोटी मोटी रोमांटिक लव स्टोरी या फिर फैमिली ड्रामा जैसी मूवी टिक नहीं पाती या फिर एवरेज बिजनेस करके निकल जाती है। छोटे से लेकर बड़े स्टार तक सब लार्जर देन लाइफ पैन इंडिया फिल्म बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन सलमान खान और मास सिनेमा का बहुत पुराना रिश्ता है। एक तरीके से भाई के फैंस में ज्यादातर मास एक्शन वाले ही फैंस है और सलमान खान नाम सुनते ही आंखों के सामने एक्शन आ जाता है। एक तरफ इंशाल्लाह बजरंगी भाईजान जैसी मूवी वो करेंगे, लेकिन मास सिनेमा का साथ सलमान खान कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सलमान खान को नीचे से ऊपर उठाया है मास सिनेमा ने, चाहे वो वांटेड हो या फिर एकता टाइगर। और इसका सबसे बड़ा सबूत है किक, जहां सलमान खान डेविल के अवतार में बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, क्योंकि किक 2 बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले हफ्ते में किक के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दी थी किक की स्टोरी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस वो लोग इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी तारीख का जहाँ से वो फिल्म बनाना शुरू कर दे। लेकिन वो दूर की बात है, अभी 2023 की बात करते हैं तो भैया इस साल भी सलमान खान बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। टाइगर 3, इसका बस 1.5 मिनट का अनाउंसमेंट टीजर आया था, लेकिन हाइप बहुत सॉलिड है फिल्म की। सबको मालूम है शेर जख्मी है लेकिन जिंदा है। अब खबर ये आई है कि टाइगर 3 के मेकर्स दिन रात एक करके फिल्म को बना रहे हैं। टाइगर 3 का टीजर जल्द से जल्द पब्लिक के सामने रखने के लिए लगे पड़े हैं फुल जोश में, बस डेट डिसाइड करना बाकी। वैसे तो 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है दिवाली के दिन, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है रिलीज को, इसीलिए सलमान खान कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते और ये अच्छी बात है। एक खबर ये भी आई है कि 15 अगस्त मतलब अगले महीने टीजर आ सकता है, लेकिन टेंशन मत लो, तब तक 1-2 पोस्टर आ ही जाएंगे। एक खबर ऐसी भी है कि जवान मूवी के साथ टाइगर 3 का टीजर अटैच किया जाएगा, लेकिन 7 सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा। अब जरा बुरी खबर भी दे देता हूँ सलमान खान के फैंस के लिए, जरा ध्यान से सुनना। टाइगर 3 और पठान के बाद सलमान खान जाने वाली 1 साल की लंबी छुट्टी पर फिल्मों से दूर। उनकी लास्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान बुरी तरह पिट गई, इसका सीधा असर भाईजान के स्टारडम पे पड़ा है। इसी वजह से सलमान खान ने उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नोटिस किया है, अब वो उनके फैमिली या दोस्तों के साथ फिल्म नहीं करेंगे। मतलब अब सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म में बनना एकदम बंद, और ना ही वो न्यू कमर्स को अपनी मूवी में ब्रेक देंगे। अब बात ये है सलमान खान की मच अवेटेड मूवी प्रेम की शादी, जिसमें सलमान खान उनके पुराने दोस्त सूरज बरजत्या के साथ कोलैब करने वाले थे, अब शायद ये फिल्म बंद होने वाली है, और बनेंगी भी तो उसमें सलमान खान नहीं होंगे। भाई जो लोग प्रेम के आने का इंतजार कर रहे थे, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए दिल से सॉरी, अब ये नहीं होगा। और शायद जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं, सूरज बरजत्या अपनी न्यू फिल्म की अनाउंसमेंट कर देंगे। उनके न्यू मूवी का टाइटल होगा दोनों, जिसमें उनके बेटे डेब्यू करने वाले। अब दूसरी बुरी खबर ये है, सलमान खान के करियर को बचाने वाली टाइगर 3 एक ऐसी अकेली फिल्म है जो डिसाइड करेगी आगे का स्टारडम। टाइगर 3 सबसे बड़ा जुआ होने वाला है, इस पे सब कुछ लगा हुआ है। अगर टाइगर 3 में सब कुछ ठीक रहा तो सीधा 7 समंदर पार। खबर के मुताबिक टाइगर 3 प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी हर एक लिंक को स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि टाइगर 3 की स्टोरी को प्रॉपर वॉर टू फॉलो करेंगी, उसके बाद में टाइगर वर्सेस पठान फॉलो करेगी। शाहरुख खान का कैमियो भी टाइगर 3 में इसीलिए है क्योंकि मेकर स्पाई यूनिवर्स को बिगर स्केल में बिल्ड कराना चाहते हैं। सुनकर तो ऐसा लग रहा है टाइगर 3 फाड़ देंगी बॉक्स ऑफिस को, हर एक रिकॉर्ड टूटेगा जब टाइगर आएगा। लेकिन थोड़ा सबर मेरे भाई, टाइगर 3 के लिए एक भी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि टाइगर 3 को पठान से कंपेयर करे तो पठान को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था और टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने आज तक मास एक्शन के नाम पे सिर्फ फैन फिल्म बनाई है,
बाकी सब फैमिली ड्रामा मूवीज, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा धक धक हो रहा है सीने में। सलमान खान की टाइगर 3 पूरे स्पाई यूनिवर्स को उठा भी सकती है और धड़म से नीचे गिरा भी सकती है। वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान तभी अच्छी बनेंगी जब टाइगर 3 तबाही मचाएगी। शायद मेकर्स को भी इतनी अकल होती जहां 2012 में आई एक था टाइगर जैसा एक्शन दिखाना इन्हें आज तक नहीं आया। अगर ओरिजिनल मास सलमान खान का कमबैक होता है तो इतना तूफान उठेगा जिसके सामने 10 पठान भी झुकेगी, लेकिन अगर कोई भी गलती होती है तो सीधा गांव वापस। अब इसका नजारा तो हमें 10 नवंबर को ही देखने को मिलेगा, लेकिन पब्लिक को सब मालूम है। बताओ कमेंट में टूटेगी या तोड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।